ये बात है यार, क्या बात है, क्या बात है यार। तो ये है डीपीएफ, मजा ना आ जाए आपकी पारी तो कह देना कि डीपीएफ क्लीनिंग किसे बोलते हैं, कैसे गुलगुले से हम निकाल रहा है। आज से देखो डीपीएफ क्लीन होना शुरू हो गया, देखो। अरे वाह भाई वाह, निकालो। बस करो, अब इंजन फाड़ोगे क्या? डीपीएफ क्लीनिंग दो 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 छोड़ना, छोड़ो। और डीपीएफ का लाइट भी बिलिंग है, डीपीएफ का लाइट भी बिलिंग कहाँ? इधर कोने पे। चेक इंजन लाइट बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है और साथ में डीपीएफ की लाइट भी ब्लिंक कर रही है। और मजे की बात यह है कि आरपीएम भी 2500 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो बताओ क्या गाड़ी चलेगी। ये तो एक नंबर में भी गाड़ी चलने को तैयार नहीं है, बिल्कुल धक्का मार मार के चल रही है। डीपीएफ सूट मास लोड दिखा रहा है 96% एलएनटी आउटलेट प्रेशर। चार नंबर और दो नंबर फेलियर है। क्रेटा डीपीएफ क्लीनिंग। ये बात है यार, क्या बात है, क्या बात है यार। तो ये है डीपीएफ। देख रहे ना कितना भयंकर लेवल की चौकी। अरे इतना तो चौक मैंने कभी डीपीएफ देखा ही नहीं। हाँ बोला, हाँ तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण नोएडा भारत से। पहली कैटलेटिक कन्वर्टर क्लीनिंग प्रोसेस का जो वीडियो था, बहुत देश ने मोहब्बत दी। 30-35 मिलियन फेसबुक पे, कुछ काफी मिलियन यूट्यूब पे, मैंने बहुत तगड़ा मोहब्बत दिया वो क्लीनिंग प्रोसेस को लेके। देश में बहुत सारा लोग क्लीनिंग किया भी। अब है डीपीएफ का डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, यानी डीपीएफ BS6 का जो नॉर्म्स को कम करने के लिए डीपीएफ लगाया जाता है। और ये फुल्ली चोक है, इसका क्लीनिंग प्रोसेस जानेंगे। अच्छा, और मैं चूना से डाल रखा हूं। अब स्टेप टू, पहला स्टेप में एयर बढ़िया से मारे। स्टेप टू है कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड सॉल्यूशन। तेरी यार, ठीक है जी, लाओ जी थोड़ा पानी लेके आना जरा। ये शैंपू भी दे दो। ये देखो हाइड्रोजन, इससे होगा डीपीएफ क्लीनिंग।
शैम्पू जो बाल धोने वाला शैम्पू है ये डालेंगे हाइड्रोजन के बाद, देखो मजा ना आ जाए। अब की पारी तो कह देना कि डीपीएफ क्लीनिंग किसे बोलते हैं। एक डब्बा हाइड्रोजन, एक डब्बा डब, अब मजा आएगा। आ जाओ पानी भरते हैं। अरे पानी, अरे तेरी यार, अरे बंद करो यार, ये तो नहीं कर। हैं? माल गिर गया इधर। अरे तेरी यार भाई साहब, ओ तेरी यार, दिखाना इसको उल्टा रखता है सारे का सारे। हैं? ये पानी तो निकलेगा उसका इसमें से, ये देख, देखो इसको अभी रोकते हैं कम से कम एक घंटे के लिए, दोबारा से छोड़ देते हैं, सारा जो है जितने भी कार्बन है सब फूल जाएंगे। उसको फिर पानी का प्रेशर मारेंगे, उसको हवा का भी प्रेशर मारेंगे। देखो अब कैसे गुलगुला सा मार रहा है, ये है जी, क्योंकि ये ज्यादा नुकसानदायक भी नहीं होता ना हाइड्रोजन, और इससे सफाई हो जाएगी बहुत बढ़िया करके टॉप की। हमको क्या है, सफाई तो चाहिए। दिखाओ इधर पास से, दिखाओ डीपीएफ क्लीन होना शुरू हो गया। देखो ये देखो बाहर निकल रहा है, देखो अब शुरू कर दिया काम। अब ये क्या करेगा ना भाई साहब, ऐसा मजा गाड़ेगा ये डीपीएफ। 96% चौक था ये डीपीएफ, 96% भाई साहब, 96% बहुत होता है, ऐसे कंपनी बदलती है सिर्फ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा निजी प्रोसेस है, मैं इससे गाड़ी बढ़िया बनाऊंगा। कहीं किताब में ये प्रोसेस नहीं लिखा है, ना ही कंपनी मेरे को बोली है कि यही करना है आपको, ये खुद का मेरा प्रोसीजर है। तो आप लोग अपने प्रोसीजर से करना, सिर्फ मैं अपना प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। देखो कार्बन सारा बाहर फेंक रहा है, धीरे धीरे निकाल रहा है। डीपीएफ क्लीनिंग, पिछली वीडियो में भी साफ ही कपड़े पहन लिया था मैंने, हाँ लोग कमेंट किए थे, अब की बारी भी कमेंट करेंगे। लेकिन कमेंट अब मेरे को मंजूर है आपका, क्योंकि आप मेरे हित के लिए कमेंट करते हो मुझे पता है। अब एक एक सुराख अब दिख रहा है, नहीं तो पूरा काला काला भर गया था, सुराखे नहीं दिख रहा था एक भी, ऐसा लग रहा था जैसे जाम ही सा हो गया बिल्कुल पूरा। दूर से दिखाओ कितना कार्बन, भाई साहब देख रहे हो ना पूरा एक कैसे काला काला। शाबाश प्रेशर, ये देखो कितना कार्बन है कि नहीं है, बाजी वाला लाइन लग गया पूरा, दिखाओ भाई अब जाके निकल रहा है कार्बन क्या। अरे रुक जाओ, अरे वाह भाई वाह, निकालो निकालो, देखो दूर से काला। हाँ अरे तेरी यार भाई साहब, अलग ही लेवल का कार्बन है ये तो, अलग ही लेवल का कार्बन है यार। हाँ बहुत बढ़िया, अरे काला काला, हाँ भर भर के आ रहा है यार। बढ़िया हो गया, अब साफ सफाई, इधर आके दिखा लो पानी बिल्कुल साफ निकल रहा है, अब इधर पानी भी सब साफ हो गया, अब बढ़िया साफ सफाई हो गई है। हवा हवा, बहुत बेहतरीन क्लीनिंग हो गया, मजा आ गया क्लीनिंग में। अब एयर मारेंगे अब एक बार,
भाई साहब ये पूरा अच्छे से हमने क्लीनिंग कर ली जितना संभव हो सका है। हालांकि देख रहे हैं ना पूरा चमक गई बिल्कुल बढ़िया करके एक एक चीज। बहुत कचरा निकाला है तब जाके ऐसा चमका है। मेहनत लगी है। मुझे लग रहा है कि शाम के कितने बज रहे हैं अभी, ये 4:15 हो रहा है। हम लोग कितने 11 बजे से लग रहे हैं ना, 11 बजे से लग रहे हैं, 4:15 हो गया है। यानी कि पूरा 5 घंटे के आसपास लग गया और तब जाके ये पूरा हो पाया है। देख रहे हैं ना अब ये है कि इसको साफ कर करके और इसको ये टेम्परेचर सेंसर को भी साफ कर करके हम इसमें फिट कर देते हैं। बढ़िया से क्लीनिंग कर दी। अब सब क्लीनिंग करके लगा रहे हैं। 2 टेम्परेचर सेंसर है, ये 2 प्रेशर सेंसर है। ये प्रेशर बताता है, ये 2 अप डाउन का टेम्परेचर बताता है, ये O2 ऑक्सीजन का लेवल बताता है, O2 सेंसर है। जब भी बहुत ज़्यादा मिसफायर होगा या फिर डीजल इंजेक्ट करेगा इंजेक्टर तो फिर चेक इंजन लाइट देखे होंगे ब्लिंक करने लगता है। चेक इंजन लाइट ब्लिंक करता है सिर्फ इस DPF को बचाने के लिए और लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। जब सीरियस नहीं लेंगे तो चेक इंजन लाइट ब्लिंक का मतलब कि आपका DPF या फिर कैटलेटिक कन्वर्टर बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा होता है इंजन। तो इन्हीं सब सिस्टमों को बचाने के लिए चेक लाइट ब्लिंक करता ताकि आप गाड़ी रोक दें और जो 70-80 हज़ार रुपये का सिस्टम है बच जाए। तो अभी सारा फिट कर लिए, बढ़िया से सफाई हो गई, अभी से गाड़ी के अंदर लगाने जा रहे हैं। ये चोक क्यों हुआ, चोक होने के पीछे कारण क्या है, गाड़ी चली है 84,000 किलोमीटर बस, इसका टर्बो जो है ना गड़बड़ कर गया था। टर्बो में कौन सा बूस्ट खराब था? टर्बो की जो पीछे का टर्बाइन होता है वो मतलब उसका बूस्ट जाम था तो हमने टोटली किट डलवा दी है। ठीक है, टर्बो का बूस्ट जाम हो गया था जिसकी वजह से ऑयल रिस रहा था, ऑयल रिस के खराब हो रहा था। इंजेक्टर कितने फेलियर हुए थे इसमें? इंजेक्टर 2 फेलियर, 2 फेलियर हुआ था, 2 नंबर का 4 नंबर का इंजेक्टर। यानी कि इंजेक्टर फेल हो टर्बो फेल हो दोनों ही कंडीशन में DPF चोक होता है। और DPF चोक होने का मतलब क्या है, इसको ले जाओ लगाओ, जाओ शिवा तुम भी लगाओ। चोक होने के पीछे कारण क्या है आपने समझ गए, टर्बो या इंजेक्टर दो ही होते हैं। और DPF चोक होता है कई बार रनिंग जो होती है खाली सिटी के अंदर ही होती है, थोड़ा बहुत 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तभी भी चोक होता है। ये चोक होने का मतलब यह है कि 96% मैंने इसका डेटा चेक किया, 96% चोक हो गया था। इस कंडीशन में बदला जाता है, कंपनी भी इसको बदलती है। लेकिन हमने कस्टमर के कहने पर यार चलो कोशिश कर लो, हमने भी कोशिश किया और बहुत ही ज़्यादा कार्बन निकला यार। 2 स्टेप से किए, एक पानी से और एक हवा से, दोनों ही कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा कार्बन निकला और काफ़ी हद तक अच्छी क्लीनिंग हो गई। पैकिंग डाल लेना भाई, सफाई देखे कितना बढ़िया हुआ है। सफाई बिल्कुल 110% बढ़िया हुआ है, हो गया है? बहुत बढ़िया सफाई हुआ है। लेकिन ये हुआ कैसे कैसे भाई साहब? 2 स्टेप में किए हैं, पानी से, हवा से, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और पानी मिला के। ठीक है, और हवा से। टाइगर जी, कब तक फिट हो जाएगा? बस 15 मिनट, अभी 15 मिनट में आपको चेक करने के लिए हो जाएंगे। आए हाय हाय हाय, बहुत ही प्यारा साउंड हुआ यार। सारा फिटिंग हो गया इधर से, चेक इंजन लाइट ब्लिंक तो नहीं कर रही है। चलो रेस देना अब, देते जाओ देते जाओ। चलो दो, वाह वाह मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। दो, अभी कितना है? 4,000। कितना जा रहा है? 4,000 जा रहा है। मैंने पहले से तो बहुत कम हो गया, बहुत माइनर है। लो एक बार और, बस बस रहने दो रहने दो। चलो पहले रेस ले ही नहीं रही थी, कितने से ऊपर नहीं जा रही थी पहले? 2,000 से। जब मैं गाड़ी टो करके लेके आया तो 1,000 भी नहीं आ रहा था। जो 1.5 गियर में गाड़ी लेके चल रहा था ऐसा लग रहा था उतार के धक्के दूंगा गाड़ी में। अच्छा, मतलब 1,000 से भी? 1,000 में पहले गियर में भी गाड़ी चल नहीं रहा था, उतार के ऐसा लगे धक्के दूंगा गाड़ी। अच्छा चलो, तो फाइनली अब RPM लेने लगी गाड़ी। TPMS की लाइट ब्लिंक कर रही है। अब कारण क्या है कि कोई टायर में हवा हुआ कम है। अच्छा इधर से अभी अभी फिटिंग चल रही है, देख रहे हो ना, टायर वर खोल रखा पूरा। अब उधर से ये भी अभी फिटिंग चल रही है पूरा, गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है, अब वो भी ब्लिंक करना, TPMS की बंद कर दी। तो जो यहाँ चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही थी वो खत्म हो गया। उधर देखो जो DPF की लाइट ब्लिंक कर रही थी
वो खत्म हो गया। थोड़ा सा हल्का सा रेस देना भाई जरा सा। अरे अब तो बूम ले रहा है, थोड़ा सा और दे, एक बार भर के दो। बहुत जाओ यार, बाप रे बाप, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बस करो, अब इंजन फाड़ हो के क्या, बस करो, रहने दो। तो ठीक है, आज ही हैप्पी दिवाली यार, पूरा दिन आज गाड़ी में दिवाली हम लोगों का। अब शाम को दिया भैया खरीद लिया मैंने, अब चलेंगे। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि वीडियो देखेंगे 3 महीने बाद। बात ये है ना, खींचना ठीक है, लंबे खींच रहा हूं, बनाओ। गाड़ी की क्या कहानी है बढ़िया। भाई चल के आई है, किलोमीटर देख लो 84,615। तो ये गाड़ी चला के लेके आया है, कितना चलाए हो पहले ये बताओ। पहले गाड़ी लगभग चली है 40, ऐसे होंगे 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। सीट बेल्ट नहीं लगाया क्या, टू टू कर रहा है? नहीं, अभी उतार रही है। चलो बंद कर दो गाड़ी। गाड़ी कैसी चल रही है? गाड़ी एक नंबर चल रही है। पिकअप? पिकअप बिल्कुल बढ़िया। कितना लास्ट स्पीड कितना चलाए थे? 120। अबे थोड़ा हल्के 120 चली थी क्या? 120। क्या बात कर दी है? 120 चली। नहीं, अभी हमने चेक किया था, 120 स्पीड लेके आए थे। 120 की स्पीड? भाई मेरे क्या बात है। धुआं हुआ कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरे क्या बात है, आवाज 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 बिल्कुल जीरो है, कोई लॉगिंग वॉगिंग कुछ भी नहीं। अच्छा एक बार स्टार्ट करके तो रेस देना जरा। अरे आवाज तो बहुत खूबसूरत हो गया यार, एक बार आवाज सुनते हैं। बोनट खोलो आगे, धुआं एक बार रेस देना, देखे जरा। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया रे, गाड़ी में ही मजा आ गया। थोड़ा एक बार और रेस देना भाई। ओ बहुत बढ़िया। गाड़ी बिल्कुल सेट हो गई, मजा आ गया। लेकिन भाई एक चीज मैं कहूंगा कि गारंटी नहीं होता है इसका, डीपीएफ का चलाया बहुत है, बढ़िया हो गई गाड़ी, लेकिन गारंटी नहीं होता है। हम लोग हाथ नहीं डालते, एक बार महिंद्रा में हाथ डाल दिया था, कामयाब नहीं हुआ वो डीपीएफ। हमने दूसरी बार एक कोशिश करी थी, सक्सेस हुआ, चलो अच्छी बात है। लेकिन डीपीएफ एक ऐसी चीज है कि कुछ गारंटी नहीं है इसका, कामयाब होगा कि नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं है। कई बार तो मेहनत भी खराब जाता है। तो 80 और 25 माने 120 किलोमीटर चलाए हो, अरे फिर भी 10,000 किलोमीटर चलेगी तब तक कहानी पता पड़ेगी ना। तो और इसे चलाऊंगा मैं, और हो सके तो महीना एक बार इसका रिजल्ट यदि पास हो गया तो फिर भी वो वीडियो भी डालूंगा कि भैया डीपीएफ हमारा क्लेन करना पास हुआ है। और इसका वीडियो मैं पार्ट टू भी डालूंगा कि जो टाइम लगाया वो टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, या टाइम से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारे टीम के मेंबर लोग हैं, सबसे ज्यादा शिवा मेहनत किया है ना। अच्छा शिवा, ये सबसे ज्यादा शिवा मेहनत किया है। शिवा मतलब अब सक्सेस हो गया, कैसा लग रहा मजा? चलो चेहरे पे खुशी देख रहा जब है। और कौन कौन खोला इसको? अच्छा युवराज तो दिवाली में चला गया घर, चलो बढ़िया है। तो ठीक है यार, ओके थैंक यू, गाड़ी बहुत बढ़िया हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी भाइयों को दोबारा से दिल से हर बार की तरह राम राम। वीडियो शेयर कर दीजिएगा जरूर। हाँ लाइक वाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा भैया इंजन में मजा आ गया, गाड़ी चला गया, पूरी मजा ही करवा रहा है इसका बढ़िया से। ताकि भाई साहब एक खोले खा लेते ना तो पूरा गंदा हो गया था, तो गाड़ी तो हो गई मजे की। हाँ गन फन ले कर रेडी है रोने के लिए यार, मजा ही चल रही है। यह यूपी का उस्ताद लग गया, यह यूपी का उस्ताद टाइगर। भाई साहब गाड़ी चलाया मजा आया कि नहीं रे?
चलो।